Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 2. हम इसे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड आउट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है. तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 9 और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 0. अगर मुझे 3 डिजिट के लिए लिखने के लिए कहे और ग्रेटेस्ट बोले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 9993 टाइम. तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखना है 4 डिजिट नंबर, कौन से वाला ग्रेटेस्ट. 4 नंबर डिजिट ग्रेटेस्ट क्या आएगी, 9 9 9 एंड 9. ग्रेटेस्ट होना चाहिए तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 और 4 बार लिखना है तो हमने 4 टाइम कर दिया. इसके बाद है 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखना है हमें तो वो हो जाएगा हमारा 999 और यहाँ पे करना है हमें सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. यहाँ पे हमें सम करना है इनका. 9 और 9 हो गया 18, 1 कैरी. 9 एंड 9 18, 18 और 1 19, 1 कैरी. 9 और 9 18, 18 और 1 19, 1 कैरी. 9 और 1 10. अब अगर मुझे यहाँ पर बोला जाता कि 5 डिजिट नंबर लिखना है, अगर मुझे 5 डिजिट लिखने के लिए बोला जाता तो मैं यहाँ पर क्या करती, मैं यहाँ पर ये 9 जो है उसको मैं 5 टाइम लिख देती. तो ये हमारा हो गया आंसर. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है रमेश हैज डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज इन जनवरी एंड 3,650 रुपीज इन फेब्रुअरी टू हिज बैंक अकाउंट. कि रमेश ने अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है, जमा करवाना. उसने 2,850 रुपए जमा करवाए जनवरी के मंथ में और 3,650 रुपए जमा करवाए फेब्रुअरी के मंथ में. व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट अमाउंट ड्यूरिंग दीज टू मंथ बाय रमेश. तो रमेश ने इन 2 महीनों में कितना रुपया सबमिट करवाया है वो लिखना है हमें. तो हम यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट मनी इन जनवरी. जनवरी के मंथ में जो उसने जमा करवाए थे 2,850 रुपीज. डिपॉजिट मनी जो मैं यहाँ पे डैश लगा रही हूँ इसका मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम आपको नीचे लिखना है. ये फेब्रुअरी मंथ में उन्होंने दिए थे 3,650 रुपीज. अब उन्होंने पूछा है टोटल, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है उनका. तो हम टोटल के लिए यहाँ पर इनको कर देंगे ऐड. 0, 5 एंड 5 0, 8 और 6 14 और 1 कैरी 16 और 1 15, 1 कैरी 3, 5 एंड 1 6. 3 और 2 5 हो गया और 5 और 1 हो गया हमारा 6.
तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था कि व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट अमाउंट ड्यूरिंग दीज 2 मंथ बाय रमेश। तो हम यह लिखेंगे टोटल डिपॉजिट ₹6,500 अमाउंट ड्यूरिंग दीज 2 months by रमेश, कि रमेश के द्वारा इन 2 महीनों में जो टोटल डिपॉजिट करवाया गया था वो था 6,500। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अंशु बोट आ बाइसाइकिल इन 2,999 रुपीज एंड रुचि बोट अनदर बाइसाइकिल इन 2,650 रुपीज। कि अंशु ने एक साइकिल खरीदी वो तो थी 2,999 रुपए की, और रुचि ने जो साइकिल खरीदी थी वो थी 2,650 रुपए की। फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कंपेयर टू रुचि। तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे बताने हैं जो अंशु ने रुचि से ज़्यादा लगाए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड 5th में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है ना वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो आपको नंबरिंग मिलती है वो आपकी लैंग्वेज के बेस पे मिलती है कि बच्चे को लैंग्वेज लिखने की कितनी नॉलेज है। अंशु पेड रुपीज 4 बाइसाइकिल। अब अंशु ने बाइसाइकिल के लिए कितने रुपए दिए थे? 2,999 रुपीज दिए थे। अब दूसरी तरफ रुचि ने खरीदी, रुचि पेड रुपीज 4 बाइसाइकिल। रुचि ने जो रुपए दिए थे वो दिए थे 2,650 रुपीज। अब हमें जब ये बताना है कि किसने ज़्यादा दिया, अगर कम और ज़्यादा का बताना होता है तो हम करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट। तो 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ जो हमारी लाइन आएगी, अंशु पेड 349 रुपीज एक्स्ट्रा, रुपीज एक्स्ट्रा उसने दिए, एक्स्ट्रा अंशु ने इतने रुपए दिए, रुचि ने इतने रुपए दिए, तो अंशु ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए थे? 349 रुपीज एक्स्ट्रा पेड किए थे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सम ऑफ द टू नंबर इज 7,678। कि अगर हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारा जो सम आता है वो इतना। इफ वन नंबर इज 4,613 देन द फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 भाई हैं, एक भाई को 10 चॉकलेट किसी ने दी और उसको बोला कि आपकी 6 चॉकलेट है और जो बच जाए वो छोटे वाले को दे देना। तो आप क्या करोगे, जो टोटल नंबर है उस टोटल नंबर में से 6 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो बचा हुआ नंबर आएगा वही आपके भाई की टॉफीज का नंबर होगा। सेम यहाँ पर दे रखा है कि जो ये नंबर था इस नंबर के साथ किसी और को ऐड किया तो हमें ये मिला था, हमें वो दूसरा नंबर निकाल कर बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
sum of two numbers is, दो नंबर का जो एड है वो है 7, 6, 7, 8। अब 1 नंबर इज, उनमें से जो एक नंबर है वो है हमारा 4613। जब हमें दो में से एक का निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर इज, जो हमारा दूसरा नंबर है, 8 में से 3 गया, 5, 7 में से 1 गया, 6, 6 में से 6 गया, 0, 7 में से 4 गया, 3। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो कितना है, 3065। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मोहन हैज 10,000 रुपीज, ही बॉट वीट फॉर रुपीज 4,500 एंड राइस 1,600, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद ही। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉय है मोहन है, उसके पास 10,000 रुपीज थे। मान लो आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके लॉजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा कि आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपए दिए और ये कहा कि बेटा आपको चिप्स लेके आने हैं, बिस्किट लेके आने हैं और चावल लेके आने हैं। तो जब आप 100 रुपीज लेके आओगे, जितने जितने रुपए बिस्किट के बने, आपके राइस के बने और आपकी चॉकलेट के बनते हैं, उन तीनों को ऐड कर कर 100 में से जब घटा दोगे तो जो बाकी बचेगा वो पैसा आपका होगा। तो सेम यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले तो जो उसने खर्च किया वो देखते हैं हम। मोहन बोट वीट कितने रुपए की, वो रुपीज हैं 4,500। फिर मोहन ने खरीदे हैं राइस, और जो राइस का प्राइस है वो राइस का प्राइस है 1,600। तो ये पैसे तो उसने करे हैं खर्च, तो ये आ गया इसका टोटल स्पेंड, जो उसने पैसा खर्च ही कर दिया, 0, 0, 6 and 5, 11, 1 carry, 4, 5 and 6। अब हम करेंगे इसको, मोहन हैड रुपीज, मोहन के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 10,000। ही स्पेंड, उसने खर्च कर दिए, वो हैं 6100 0 0। अब यहाँ 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, सेम प्रोसीजर से यहाँ बचेगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। अब उसके पास, अब उसने हमसे पूछा था कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट रुपीज 3,900। अब देखो इसे, उसके पास टोटल रुपीज थे 10,000,
लेकिन बाजार जाने के बाद उसने सबसे पहले गेहूं खरीदा और चावल खरीदे। तो हमने गेहूं और चावल के लिए जो भी पैसा उसने खर्च किया, उस पैसे को हमने कर दिया है यहाँ पर ऐड। तो उसने खर्च किया था 6,100। अब टोटल रुपीज थे उसके पास 10,000। 10,000 में से 6,100 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ पैसा है वो है 3,900, कि अब वो जो घर बचा कर लेके जा रहा है वो रुपए हैं इतने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, ड्यूरिंग थ्री फेजिज ऑफ द प्लस पोलियो कैंपेन इन बागवास पंचायत, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप्स आर 8,976। इन द फर्स्ट फेज 2,780 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड एंड इन द सेकेंड फेज 2,925 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड। फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, एक प्लस पोलियो अभियान चलाया गया था। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 2 के अंदर उनको कितनी प्लस पोलियो के अंदर उनको दवा पिलाई गई है। तो हम देखते हैं फर्स्ट में, इन फर्स्ट फेज 2,780 चिल्ड्रन, इन सेकेंड फेज में जो बच्चे थे वो थे 2,925। अब हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड। 8 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, 2 2 1 और 1 5। अब पहली बार जब दवा पिलाई तो वो थी 2,780 बच्चे, सेकेंड फेज में 2,925 बच्चे। तो ये आ गए हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड फेज के बच्चे। अब उन्होंने कहा है कि हमने 3 फेज में दवा दिलाई थी बच्चों को, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन जो है वो है यहां पर 8,976, और यहां पे टू फेज में जो दवा पिलाई गई थी वो बच्चे हैं 5,705। हमें बच्चे निकालने हैं थर्ड फेज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 का 7, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया 3। तो यहाँ पर पहली फेज में बच्चों को इतनी दवा पिलाई गई, दूसरी बार इतने बच्चों को पिलाई, तो ये हो गए दोनों फेज के बच्चे। अब 3 फेज में पिलाई गई थी तो तीसरी फेज के बच्चे हमें नहीं बताए गए हैं, टोटल बच्चे बता दिए, दोनों फेज बता दी। अब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड फेज के बच्चे आ जाएंगे। इसके बाद बचा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। इन क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।